हेलो स्टूडेंट्स, हमारी पिछली वीडियो में हमने सीखा हमें लिखते वक्त किस पोस्चर में बैठना चाहिए। आज हम सीखेंगे कि हम अपनी फिंगर्स को की मसल्स को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए अपनी फिंगर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी नंबर वन है बेटे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को फिंगर से स्पाइरल बनाना है। जैसे आप बैठे हैं, बैठे बैठे भी ऐसे कर सकते हैं। दिन में जब भी आपको याद आए आप ऐसे करिए और बहुत देर तक करिए, ये नहीं कि एक बार, बहुत देर तक। इससे क्या होगा, आपकी फिंगर मूवमेंट बढ़ेगी। फिंगर की जो कई बार आप कहते हैं ना, लिखते हुए हाथ दुख रहा है, तो वो दुखेंगी नहीं फिंगर्स, क्योंकि इससे फिंगर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इस तरह से आपको स्पाइरल बनाना है और इस स्पाइरल में आपकी फिंगर मूव करनी चाहिए, आर्म से आगे की फिंगर्स केवल। ये नहीं कि आप ऐसे बना रहे हैं, ये नहीं, केवल फिंगर्स मूव करेंगे, आपकी आर्म स्टेबल रहेगी, आर्म के आगे का हिस्सा ही मूव करेगा। तो ये थी हमारी पहली एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर दो। एक्टिविटी नंबर दो इज फ्लाइंग बर्ड। बर्ड देखो, बर्ड ऐसे उड़ता हुआ दिखता है ना, तो ऐसे आपको अपने अंगूठों को मिलाना है और फिंगर्स को ऐसे करना है जैसे कि आप कोई पक्षी उड़ा रहे हैं। इससे आप देखेंगे थोड़ी देर में आपकी फिंगर्स में हल्का सा आपको लगेगा जैसे थकान हो रही है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो इससे आपकी फिंगर्स में आज आपको 10 मिनट में थकान हो रही है 10 बार करने से, तो कल आप 20 बार भी कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपकी हाथ की ग्रिप भी बढ़ेगी और उंगलियां खुलेंगी। ठीक है, अब तीसरी एक्टिविटी है हमारी फीडिंग द बर्ड। जैसे आपने देखा होगा आपकी मम्मी कई बार चावल से दाने निकालती हैं, तो वो एक्टिविटी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये मान लीजिए ये बर्ड का पॉट है और ये आपकी ग्रेन्स है, आपको एक एक दाना उठाना है, इसमें डालना है। ठीक है, इस तरह से इकट्ठे नहीं, क्योंकि इन इन दो फिंगर्स की ग्रिप बहुत जरूरी है आपकी राइटिंग के लिए। तो आपको इस तरह से एक एक दाना उठाना है और इसमें डालना है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप एक एक दाने को उठाएंगे तो, और आपकी फिंगर्स की ग्रिप भी बढ़ेगी, क्योंकि छोटी चीज को उठाते वक्त हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक तो कोई बड़ी चीज हम उठाते हैं उसमें ग्रिप जल्दी बनती है, छोटी चीज को अगर थोड़ा धीरे छोड़ेंगे तो थोड़ा धीरे अगर हम उठाएंगे तो वो गिर सकती है, तो उसके लिए इससे हमारी ग्रिप बनेगी फिंगर्स की। नेक्स्ट है पुल एंड पुश। आपको फिंगर्स ऐसे रखनी है, पेपर को एक बार पुश करना है, एक बार पुल करना है, एक बार पुश करना है, एक बार पुल करना है, पुश पुल। इससे मूवमेंट बढ़ेगी हमारे हाथ की और फिंगर्स पे जोर आएगा। इस तरह से करेंगे तो फिंगर्स पे जोर आता है, तो ये जो मसल्स हैं ये स्ट्रांग बनती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज स्पाइडर ऑन द रोड। ये मान लीजिए एक रॉड है, कोई भी रॉड ले लीजिए, घर में डंडा भी होता है, कोई भी होता है, बेलन होता है। आप अपने हाथ को स्पाइडर की तरह राइट हैंड को करें, क्योंकि राइट से लिखते हैं हम, राइट हैंड को ये मान लीजिए स्पाइडर के लेग्स हैं, और अगर स्पाइडर इस पे चलेगी तो कैसे चलेगी, ऐसे करके ऐसे चलाइए ग्रिप के साथ, बिल्कुल टाइट पकड़िए। ये सोचिए कि अगर स्पाइडर ने टाइट नहीं पकड़ा तो वो गिर जाएगी, और इस तरह से इस पर, इससे आपकी हाथ की सारी मसल्स, आपकी पाम की और फिंगर्स की सारी मसल्स पे स्ट्रेस आएगा, जिससे आपकी हथेली और ये मसल्स मजबूत होंगी। अगली एक्टिविटी है फिंगर एरोबिक्स। एरोबिक्स आपने किया होगा गाने के साथ, इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, इसमें हमें उंगलियों की करनी है। ठीक है, जैसे तबला बजाने की कर ली, या इस तरह से उंगलियों की कर ली, या ऐसे खोलने की कर ली, तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो आपकी मसल स्ट्रांग होंगी और आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे, थकेंगे नहीं, हाथ की मूवमेंट बढ़ेगी, उससे हैंडराइटिंग भी सुंदर आएगी। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं बेटे जो आप खाली टाइम में, आजकल ऑनलाइन हम स्टडीज कर रहे हैं, स्कूल में होते तो ये एक्सरसाइज मैं आपको स्कूल में कराती, अब आप अपने घर में जब भी आपको टाइम मिले आपको बीच बीच में ये एक्टिविटीज करते रहना है, जिससे कि आपकी जो हथेलियां और उंगलियां हैं उनकी ग्रिप और उनकी मसल्स वीक हो, स्ट्रांग हो, उनकी मसल्स स्ट्रांग हो। थैंक यू।